नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। हल्द्वानी गोलापार स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। क्रिकेट और इंडोर स्टेडियम के हस्तगत के लिए कार्यदायी संस्था नगर अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए क्रिकेट स्टेडियम की घास को स्प्रिंकल से ठीक करने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था द्वारा स्टेडियम में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि क्रिकेट और इंडोर स्टेडियम के संचालन, यूजर चार्ज, अनुरक्षण के संबंध में शासन से प्रचार किया जाएगा। उन्होंने हॉकी कोर्ट का डायमेंशन का स्वयं से माप करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों का हॉकी की तरफ काफी रुझान बढ़ा है। युवा प्रतिभाओं को बेहतर अवसर देना जरूरी है जिससे भविष्य में अपना करियर उसी दिशा में ले जा सके। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। तो सर, जैसे कि आज यहाँ पे निरीक्षण किया गया है, तो इस निरीक्षण के पीछे की क्या वजह रही है? देखिए, इसमें ये जो इंटरनेशनल स्टेडियम है हल्द्वानी का, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 173 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ काम ऐसे हैं जो हो चुके हैं और उनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये क्रिकेट ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, एक ऑडिटोरियम, इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अभी ये हैंड ओवर क्योंकि डिपार्टमेंट को नहीं हुआ है, और उसकी वजह यह है कि अभी ये तय होना है कि इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, मेंटेनेंस कौन करेगा, यूजर चार्जेस क्या होंगे, किस मॉडल पे इसका संचालन होना है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बन जाती है लेकिन मेंटेनेंस में भी इसके खर्चा होता है, वो किस प्रकार से निकलेगा, वो निर्णय अभी नहीं हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट को जो करंट स्टेटस है उसके बारे में अवगत कराऊँगा, और ये प्रयास होगा कि जो ये संपत्ति बनी है इसका इस्तेमाल, की दृष्टि से इसको देखने नहीं आया था मैं, मात्र इस बात को देखने आया था कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, और गुणवत्ता के जो टेस्ट हैं पूर्व में ही हुए होंगे, और अभी एज सच ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे नहीं बता सकते कि गुणवत्ता की कमी है या नहीं है। पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि इस स्टेडियम में काफ़ी काम भी रुका हुआ है जो अभी पूरा करना है, इसके अलावा जब से ये स्टेडियम बना है सर, यहाँ पर खेल के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो सर ऐसी कोई उम्मीद है कि आगे कब तक काम यहाँ पूरा हो जाएगा और कब तक यहाँ पे हमें खेल देखने को मिलेगा? हैंड ओवर इसको करवाएं, जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कराएं। हैंड ओवर हो जाएगा तो निश्चित रूप से खेल के लिए बनाए तो खेल इसमें होंगे ही, और जो कुछ काम बचे हैं, जो पेयजल निगम के लिए उसमें संस्था के रूप में उसका चयन हो चुका है, उसका जियो भी हुआ है, उसके भी जल्दी हम टेंडर्स करवा के इन काम को शुरू करेंगे। तो इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।